मैं जानता हूं तेरा पाप है। पाप है तो क्या हुआ? तुझ पर हाथ उठाने का हक नहीं है उसके पास, बल्कि किसी भी औरत पर हाथ उठाने का हक नहीं है उसके पास। तू इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है, आज से तू यहीं रहेगी मेरे साथ। ऐसे आदमी की इज्जत कैसे करती है तू नक्कू? बाबा है वो मेरे, गुस्सा करता है तो प्यार भी तो उतना करता है ना। इज्जत करती है मैं बाबा की। अरे आदमी अगर जल्लाद हो तो भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये अजीब दस्तूर है दुनिया का, इज्जत दिल से की जाती है नक्कू, जबरदस्ती से नहीं। साहब नसीब से माँ बाप मिलते, पापा ने कुछ सोचा होगा तभी तो मुझे उनकी बेटी बना के भेजा। मतलब ये भी पापा का ही किया हुआ है। वो नसीब में कमी ना बाप देते हैं और चाहते हैं कि उसकी इज्जत की जाए। साहब बचपन में हमारे माँ बाप हमें सहारा देते, हमारे हर सुख दुख में, हमारी बीमारी में हमारा ध्यान रखते। हर इंसान में कोई ना कोई कमी जरूर होती है, मेरे बाबा में भी है। जब बचपन में मैं गिर जाती थी तो बाबा मुझे उठा लेते थे, आज उनके कदम लड़खड़ा रहे तो मेरा फर्ज बनता उनको सहारा देने का, उनकी गलती को सुधारने का। सही कह रही है तू, लेकिन ऐसी समझदारी की उम्मीद मुझसे मत करना। मेरी नजर में वो दोनों ही आदमी कमीने हैं, और ऐसे आदमियों की इज्जत मैं नहीं करता। सलीके से रह नहीं सकता ना तू? कोई कितनी भी इज्जत दे तेरे को, तेरे से हाजिर भी नहीं होती गणपत। निकल जा, निकल जा इस घर से, निकल जा। पापा रुक जाना को, मैं देखता हूं। मेरे को माफ कर दे भाभी, मेरे से गलती हो गई। अब ये तेरे को छोड़ के मैं किधर जाएगा? आई सर मेरे को मालूम है, मैंने आपसे वादा किया था कि दारू कभी नहीं पिएगा, लेकिन आई सर क्या है ना, मैं बहुत टेंशन में था, तो टेंशन को कम करने के लिए मैंने थोड़े से पी लिया था। आई सर मेरे को माफ कर दो, आई सर मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो। आई सर वो क्या है कि मैं दारू के नशे पे भूल गया था कि नक्कू मेरी बेटी तो है लेकिन इस घर की बहू भी है। मुझसे गलती हो गई, हाथ नहीं उठाएगा मैं, आज के बाद कभी हाथ नहीं उठाएगा मैं, हाथ क्या उठाना, मैं इसको छुएगा भी नहीं। ऐसे मेरे को बस कर, बस कर तेरा नाटक, कितनी बार माफी मांगेगा और वापस गलतियां करेगा? बाप बनने के लायक है ही नहीं, निकल जा इस घर से, निकल। ऐसे मेरे को माफ कर देगा अभी, मेरे को घर से मत निकल दो।
तेरा बाप हूं मैं, जल्दी फिर मिलेंगे। माफ कर दीजिए मुझे, अगर आप मुझे माफ किया तो शायद मेरा ये हो गई माफी। तो यहाँ पर और नकुशा ऊपर अकेली है, क्यों शादी नहीं हुई? इसलिए बैठ जा, बैठ जा। अपनी बहन से अपने दिल की बात छुपा रहा है, नकुशा के परिवार को लेकर परेशान है ना? दत्ता भाव, वो लोग अलग माहौल से आए हैं, उनके यहाँ मारपीट, गाली गलौज, ये सब चलता रहता है। सबकी किस्मत हमारी तरह थोड़ी होती है, जहाँ माँ बाप वहाँ अपना नसीब, है ना? अब तूने उस परिवार को अपनाया है, धीरे धीरे वो हमारे तौर तरीके भी सीख जाएंगे, और अगर तू साथ देगा तो उनका ये तब्दीली वाला सफर और भी आसान हो। लेकिन अब तू मेरी पत्नी भी है, मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी कोई बेइज्जती करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, समझा? मैंने फैसला किया, आज से तू यहां नहीं रहेगी। वो आदमी तेरा बाप है, लेकिन उसे ये याद रहना जरूरी था कि अब तुम मेरी पत्नी हो, आज से तू यहीं रहेगी मेरे साथ। मैं तुझे कैसे समझाऊं? मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन जिस आदमी ने तुझे जन्म दिया उसने क्या किया तेरे लिए? वो आदमी तो गणपत से भी गया गुजरा है दत्ता भाव, और तू कितना अलग है। तेरे तौर तरीके, तेरे उठने बैठने का ढंग, जिस तरह तू रिश्तों की इज्जत करता है, लोगों का आदर करता है, सम्मान करता है, कौन कह सकता है कि तू उस आदमी का बेटा है जिसने अपने ही भाई की हत्या कर दी। जैसे नकुशा को देखकर विश्वास नहीं होता ना कि वो गणपत की बेटी है, वैसे तुझे देख के भी विश्वास नहीं होता कि
तू एक हत्यारे, एक जुआरी, एक शराबी का बेटा है। मेरी बात मान, थोड़ा सा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बातों पर गौर करना दत्ता भाव, और शांत रहना। साथ जो तू भूल गया ना बेटे, वही याद दिलाने के लिए आया हूं। जब बचपन में मैं गिर जाती थी तो बाबा मुझे उठा लेते थे। आज उनके कदम लड़खड़ा रहे तो मेरा फर्ज बनता उनको सहारा देने का, उनकी गलती को सुधारने का। इसे देखकर लगता है ये रात भर जमीन पर ही लेटी रही। तू इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है, आज से तू यहीं रहेगी मेरे साथ। मैंने कह तो दिया गुस्से में कि नक्कू मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी, लेकिन मैं अपनी ही परेशानियों में ऐसा डूबा कि ख्याल ही नहीं आया नक्कू का। अरे इससे ज्यादा आराम से तो वो अपने कमरे में रोज सोती होगी। लेकिन तुझे पता नहीं नक्कू, तेरे चेहरे की ये मासूमियत मुझे कितना सुकून देती है। करके वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। ये क्या किया तूने? प्रार्थना। ये कैसी प्रार्थना है? सुबह सुबह अपने हाथों के दर्शन करना शुभ होता है साहब। खुद के हाथों के क्यों?
हम दिन में खुद के हाथ तो कई बार देखते हैं। ऐसा कहते हैं इंसान के हाथ में होता है उसकी किस्मत लिखना। हाँ ऐसा कहते तो है। इसलिए सुबह उठ हम हाथों के दर्शन करने से खुद को ये याद दिलाते हैं कि यही हाथ हमारी जिंदगी का बोझ उठाते हैं। और तूने अभी अभी क्या कहा था? मैंने कहा कि इन हाथों में सरस्वती, लक्ष्मी और कृष्ण भगवान जी का निवास होता है। इनका स्मरण करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है साहब। एक बात बताना को, तू जब से आई है तब से मैंने देखा है तुझ पर कोई आरोप, कोई हादसा, कोई घाव असर नहीं करता। तू कभी अपने जिंदगी पर, अपनों पर नाराज नहीं होती। तूने तो अपनी जिंदगी में कई तकलीफें देखी, फिर कैसे तेरे चेहरे पर हमेशा एक उम्मीद रहती है, एक मुस्कान रहती है। कैसे ना को साहब, जो परीक्षा लेता है वही ताकत भी देता है लड़ने की। जिंदगी में हमेशा सुखी सुख तो नहीं हो सकता ना। मैं, मेरी सोच, मेरी बातें, मुझमें कमियां नजर आती होंगी। बाहर से इतना सख्त रहता हूं और इतना जल्दी टूट जाता हूं, अपनी जिंदगी से नाराज रहता हूं। मेरी खामियां, मेरी कमजोरियां नजर आती होगी ना? ऐसा नहीं है साहब, आप कमजोर नहीं है। बस इतना है कि जज्बातों का तूफान आए तो आपके कदम डगमगा जाते हैं।